उनका भी अपना दावा है ये 13 की 13 सीटें अपनी झोली में लाने का। इस बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं न्यूज 18 पर बड़ी अपडेट के साथ, बड़ी जानकारी चंदौली से, जहां के बाजितपुर में 12 बजे के बाद शुरू हुआ है मतदान। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चंदौली के बाजितपुर गांव में मतदान शुरू हो गया है। मतदान करते समय कुछ तकनीकी खराबी आई जिसके बाद मतदान रुक गया था, लेकिन अब फिर से गांव में मतदान शुरू हो चुका है। ठीक 12 बजे के बाद यहां मतदान शुरू किया गया है। 13 सीटें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटें, पूर्वांचल की ये वो सीटें हैं जिस पर सबकी निगाहें, हर एक पार्टी की निगाहें टिकी हुई हैं अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। चंदौली से बड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं, 12 बजे के बाद शुरू हुआ है यहाँ पर मतदान। आज लगातार खबरें कई कॉन्स्टिट्यूएंसी से आई जहां पर ईवीएम वीवीपैट की खराब होने की जानकारी मिली, लेकिन प्रशासन ने समय रहते उन सभी परेशानियों को दुरुस्त कर लिया, ठीक करा और फिर मतदान प्रक्रिया को शुरू किया गया। लेकिन चंदौली में भी कुछ इसी तरह की जानकारी मिली थी और अब देखिए 12 बजे के बाद यहां से मतदान प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, नेहा यादव हमारे साथ है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, शतेंद्रु शरद द्विवेदी जी हमारे साथ है प्रवक्ता बीजेपी, और ज्ञानेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस समय स्टूडियो से मौजूद है। नेहा जी के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, उनसे जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी अपनी इस चर्चा को शुरू करते हुए। नेहा जी, कितनी उम्मीदें समाजवादी पार्टी को? देखिए वो सवाल है जो शायद हर एक एंकर ने आपसे पूछा होगा, क्योंकि आज शाम को जो एग्जिट पोल आना है वो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल भी साबित हो सकता है। अब इस पर निगाहें सबकी दो लड़कों की जोड़ी पर टिकने वाली है जिस पर आपने इस बार उत्तर प्रदेश में गठबंधन बनाया है। ये गठबंधन कितना हिट साबित होने वाला है? नेहा यादव जी, इस पर आप आज की 13 सीटों पर बता दीजिए कितनी सीटें आपकी झोली में जाने वाली हैं। आपका माइक म्यूट है मैम, आप अनम्यूट करिए उसको। देखिए, दो बुजुर्गों की जोड़ी पर दो लड़कों की जोड़ी भारी पड़ेगी। आज जनता लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धड़ाधड़ 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 साइकिल और हाथ के पंजे पे बटन दबा रही है। अभी जितने भी मतदाताओं से आपके चैनल के पत्रकारों ने पूछा और बातचीत की, सभी ने कहा कि हम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, हम शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल में कोई भी बाधा पूरा नहीं कर पाई। जनता त्रस्त है और जनता आज बदलाव चाहती है, जनता बदलाव के साथ है। नौजवान, बुजुर्ग, हर वर्ग, शोषित, वंचित, पीडीए समाज, हर वर्ग आज इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे, एग्जिट पोल गया अलग, लेकिन जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री इस देश को मिल चुका होगा। ठीक है, देखिए चुनाव प्रचार का शोर तो थम गया, अब आज जब एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे तो उसके बाद वाद विवाद भी कुछ दिनों के लिए थम जाएगा, क्योंकि निगाहें सबकी 4 जून के ऊपर आकर रुक जाएंगी। नतीजे जो आएंगे वो पूरे देश ने अपना मन बनाया है, जिसको जिनका मन किया उसको उन्होंने मतदान किया, 4 जून को यही नतीजे सबके सामने होंगे। शतेंद्रु शरद त्रिवेदी प्रवक्ता बीजेपी, इनसे जल्दी से रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। शरद साहब, क्या लग रहा है आपको एग्जिट पोल के नतीजे क्या हो सकते हैं? मतलब 4 जून को नतीजे अगर यहां पर बीजेपी की तरफ जाते हुए एग्जिट पोल इशारा करता है तो आप तो गदगद महसूस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस ने ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि एग्जिट पोल का रिजल्ट क्या है, उन्हें पहले ही पता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है कि हम बॉयकॉट करेंगे। उससे पहले जो संविधान की रक्षा करने के दम भर रहे थे, उन्होंने पहले 16 चैनल और उनके एंकर्स को इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, और उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को पिछले 35 साल से बॉयकॉट कर रखा है, और समाजवादी पार्टी पिछले 12 साल से कभी कोई चुनाव नहीं जीती। तो ये जो दर्द भरे नगमे ये चैनल पर सुनाते हैं, इनको जनता सुनने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में बुआ बबुआ, चाचा भतीजा, लड़के, ये जितने और पीडीए कॉम्बिनेशन है, ये सब खत्म हो चुके हैं, सब जनता देख चुकी है। और पीडीए में इन्होंने जब लेके आए तो पीडीए में ए माने अगड़ा, ए माने अल्पसंख्यक था, जिसको 3 महीने बाद इन्होंने कहा हम अगड़े को भी लेके आते हैं। तो आप देखें कि जो अपने सीट पे चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, जो राहुल जी पहले अमेठी से वायनाड गए, वायनाड में जब उन्हें लगा वहां हारने वाले हैं तो रायबरेली आए, और रायबरेली में आप देखें कि सोनिया जी जो रायबरेली से सांसद थी वो खुद ही जानती थी कि जमीनी हकीकत क्या है, तो वो छोड़ के रायबरेली राज्यसभा चली गई। तो विपक्ष को कोई जवाब नहीं सूझ रहा है, इनको ये अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। और अब लेकिन दिक्कत ये है कि जनता को भी ये चीज दिखने लगी है,
तो इनको हकीकत पता है, इसीलिए ये सबसे पहले उन्होंने कहा कि बॉयकॉट करो, क्योंकि नतीजा क्या आएगा वो तो चार को पता ही चल जाएगा, लेकिन एग्जिट में भी क्या आएगा, क्योंकि एग्जिट पोल जो नतीजा आने वाला है उसका एक प्रतिबिंब होता है। तो जनता ने पहले ही जो हमारे जो टॉप एंकर्स हैं या जो हमारी टॉप एजेंसीज है वो पहले ही बता रही है कि क्या होने वाला है, और ये जान के उन्होंने पहले तय कर लिया कि हम इसको बॉयकॉट करेंगे। तो विपक्ष को अंधकार दिख रहा है, कोई नतीजा, कोई कॉम्बिनेशन, कोई तिकड़म इनके पास ऐसी नहीं रहेगी जो ये भिड़ा ना पाए। बात का जो जो शोर इस समय चल रहा है वो कुछ दिनों के लिए थम जाएगा अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे ज्ञानेश जी विपक्ष के खिलाफ आ जाते हैं, तो मतलब सीधे तौर पर वो ठीकरा फोड़ देंगे यहाँ पर कि भाई नाइंसाफी हुई है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, फर्जी रिजल्ट सामने आया है। तो तमाम वो जो जुमलेबाजी जो हमेशा से विपक्ष के मुंह से हम सुनते रहे हैं जब उनके हक में फैसला नहीं आता, तो इसी तरह की जुमलेबाजी सुनने को मिलेगी आज। वैसे क्या लगता है आपको एग्जिट पोल जो तमाम चैनलों के सामने आने वाले हैं, न्यूज 18 इतना बड़ा एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल अपने देश के देशवासियों के सामने रखने वाला है, आज क्या लगता है एग्जिट पोल में क्या नतीजे आ सकते हैं? देखिए नतीजे क्या आएंगे ये तो मुझे भी नहीं पता है, और देश के सभी लोगों को एग्जिट पोल का इंतजार रहेगा। भारतीय राजनीति में खासकर लोकतंत्र के इस चुनाव में एग्जिट पोल एक महत्वपूर्ण पार्ट हो गया है। आप इसका बायकॉट करें या इसका समर्थन करें, लेकिन एग्जिट पोल एक अहम पार्ट हो गया है। दूसरी बात, आपने कहा कि ठीकरा फोड़ेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन ये भी समझना होगा जो जीता वही सिकंदर। लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, पहले भी आपने सुना होगा ईवीएम पर लोग ठीकरा फोड़ते हैं, सवाल उसका नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि इस बार चुनाव जो है जिस तरीके से विपक्ष को सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी खारिज कर रही है वैसा मामला दिखता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आप देखिए हर चरण के बाद चुनाव का मुद्दा शिफ्ट होते रहा और विपक्ष अपने मुद्दे पर अड़ा रहा, तो यह बहुत कहना आसान नहीं है कि विपक्ष इस बार ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, चुनौती किसके लिए है? बीजेपी के लिए है, क्योंकि सत्ता किसके पास है? उसके पास है। जो गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, अगर वो 10 सीट भी लाती है, 20 सीट भी लाती है, तो वो तो अचीवमेंट होगा ना, नुकसान तो किसका हुआ। तो चुनौती सबसे ज़्यादा बीजेपी और जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। चुनाव में विपक्ष ने मजबूती से चुनाव लड़ा है, संविधान और आरक्षण की जो बात है, महंगाई और बेरोजगारी, ये मुद्दा जमीन तक पहुंचा है, ये कितना कन्वर्ट करेगा शाम 5 बजे एग्जिट पोल में ही हमें भी इंतजार रहेगा। ठीक है नेहा यादव जी, जब विकास की मुद्दे की बात कोई करता है, जब कोई रिपोर्टर किसी आम जन से सवाल पूछता है और जनता कहती है कि हम तो विकास के नाम पर वोट देंगे, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी को कि वोट समाजवादी पार्टी के पास जाने वाला है? जो जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं उसको वोट करेगी। आज जनता महंगाई से निजात चाहती है, इंडिया गठबंधन ने वादा किया हम महंगाई से निजात दिलाएंगे, इंडिया गठबंधन ने वादा किया कि केंद्र में जो 30 लाख पद रिक्त पड़े हुए उन्हें भरने का काम करेंगे। आज जो नौजवान पेपर लीक से परेशान है उस पेपर लीक से निजात दिलाने की गारंटी ली है इंडिया। लेकिन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ये तो बीजेपी का नारा है, तो कहीं ये मन में नहीं आता है कि ये वोट किसके खाते में जाने वाला है? गठबंधन ने महिलाओं को सुरक्षा देने की गारंटी ली है इंडिया गठबंधन ने। जी क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ मैम कि जब ये बात आमजन कहता है तो आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये वोट बीजेपी के खाते में जा रहा है? ये नारा बीजेपी का है लेकिन विकास का नारा भाजपा का नहीं है, विकास का जुमला भाजपा का है, जुमले लेकर के आई थी। लेकिन 10 साल के विकास कर दिया, 10 साल के विकास के नाम पर ही बीजेपी वोट मांग रही है। आज जनता बीजेपी विकास के नाम पे वोट नहीं मांग रही, बीजेपी नफरत के नाम पे वोट मांग रही है, बीजेपी हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांग रही है, बीजेपी मंगलसूत्र के नाम पे वोट मांग रही है, बीजेपी मुजरे के नाम पे वोट मांग रही है, बीजेपी भैंस के नाम पे वोट मांग रही है। अरे गाय गोबर गौमूत्र भैंस मंगलसूत्र मुजरा इससे ऊपर निकले तब तो ये विकास की बात करेंगे। 10 साल के विकास इनसे पूछ लीजिए, मुंह दुबका के बैठ जाएंगे कहीं कोने में जाकर के, विकास पे मुंह नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी का बान ही मुंह से निकलता है, महंगाई का मान ही मुंह से निकलता है। आज जनता जब सवाल पूछेगी ठीक है तो शरद त्रिवेदी जी नेहा यादव जी की बात का जवाब दीजिए कि विकास के नाम पर कोई वोट नहीं मिल रहा है। एक बात मैं और कर देती हूँ फिर उनका लीजिएगा आप, ये जो शब्द ट्रेंड में रहे हैं, इतनी गर्मी में चुनाव कराया गया, कल 30 लोग बीमार पड़ गए जिनमें से 7 लोगों की मिर्जापुर में मौत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? इनसे पूछिए क्या जरूरत। मैम इसकी शिकायत तो चुनाव आयोग से करनी होगी ना, इसकी शिकायत बीजेपी से थोड़ा करी जाएगी। ठीक है शरद त्रिवेदी जी, इस पर आप जवाब दीजिए नेहा यादव जी की बात पर। इसके लिए ये परेशान रहते हैं।
देखिए, अगर पिछले 10 साल से दो बेरोजगार युवा उत्तर प्रदेश में टहल रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ है उत्तर प्रदेश में। और ये अरे 20 से बेरोजगारी 24 साल का नौजवान 44% बेरोजगार है, उनकी मजाक मत उड़ाइए आप। देखिए आपके नौजवानों की मजाक मत उड़ाइए। आपके ये भाई 75 साल से ऊपर व्यक्ति को शामिल नहीं बनना है और 20 साल के नौजवान। एक एक करके नेहा जी सुन लीजिए एक बार। नेहा जी, शरद त्रिवेदी जी को सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। को प्रधानमंत्री बनना है, अभी भी प्रधानमंत्री बनने के लिए परेशान है, तपस्या करने पहुंच गए, ड्रामा करने पहुंच जाते हैं, और 20 साल का नौजवान नौकरी मांगता है तो उसे बेरोजगार बना के उसकी मजाक बना रहे हैं। ठीक है नेहा जी, आप जवाब सुनिए शरद त्रिवेदी जी का। शरद त्रिवेदी जी, बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं आपके ऊपर समाजवादी पार्टी या नेहा यादव जी ने, अब इस पर जवाब तो देना पड़ेगा आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान यात्रा को भी, उनके चिंतन को भी सवालों के घेरे में घेरा गया है। नहीं, देखिए, ये नैमिषारण्य क्या करने गए थे? ये तो सेकुलर पार्टी, इनको तो नैमिषारण्य जाना नहीं चाहिए था। ये मंदिर के नहीं गए, बिल्कुल इन्होंने सही फैसला लिया, लेकिन नैमिषारण्य से क्यों अपना चुनाव कार्यक्रम शुरू किया? ये वह कौन सी नौटंकी करने गए थे? लेकिन समस्या ये है, जो आप इस देश की गंगा जमुनी तहजीब पर नहीं समझते हैं, यही चरित्र है। इतना पक्षी होना, चले जाइए नेपाल और वहां करिए यात्रा भी, वही चुनाव लड़िए, वही रहिए। आप क्यों गई? आप क्यों गए? चले जाइए आप लोग, बताइए ना, आप कार्यक्रम क्यों शुरू किया? आपको तो जाना नहीं चाहिए था, आपको किसी मंदिर में। सुन लीजिए एक बार नेहा यादव जी, बोलने दीजिए शरद त्रिवेदी जी को, बोलने दीजिए मैम, सुन लेते हैं। क्यों गए थे वहां पे? कब जाएंगे? हम तय करेंगे, आप कौन होते तय करने वाले कि मंदिर कौन जाएगा, मस्जिद कौन जाएगा, गुरुद्वारे कौन जाएगा, चर्च कौन जाएगा? आप कौन होते हैं तय करने वाले? आपने तो शंकराचार्यों की बात नहीं मानी, आप तो इस देश के सनातन को नहीं मानते। नेहा जी, इससे पहले मैं आपका ऑडियो म्यूट कर रहा हूँ, आप एक बार सुन लीजिए शरद त्रिवेदी जी को, सुनिए, फिर मैं इनसे अपने वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर से भी इसके ऊपर एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। आप जरा सुनिए शरद त्रिवेदी जी को। जी बोलिए सर। देखिए, अगर ये मंदिर मस्जिद को लेके आएंगे तो हम मंदिर मस्जिद का जवाब देंगे। हम नहीं कर रहे हैं, हज हाउस, हज सब्सिडी, हज टर्मिनल और कब्रिस्तान इन्होंने बनवाया था। मुझे बता दें कि कहां पे जो तीर्थ टर्मिनल बनाए, कहां क्रिश्चियन। तो मेरा सवाल विकास के ऊपर था कि जनता, काफी सारे लोगों का रिएक्शन आया कि विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं क्योंकि 10 साल में विकास नहीं हुआ है। इस पर हम नेहा जी ने जवाब दिया और जल्दी से आप जवाब दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में 40% जो टोटल सड़कें पूरे भारत में वो उत्तर प्रदेश में बनी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे बने, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा निवेश जो पूरे भारत में 16% निवेश है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में हमने अपराध की कमर तोड़ी, जो अभी हमारी बहन बता रही थी महिला सम्मान और महिला सुरक्षा के बारे में, इनके कार्यकाल में तो मायावती जी की किसी तरह उनके भाग्य था, उनकी किस्मत। 4 जून को नतीजे बताएंगे सर, जो काम हुए हैं उस आधार पर वोट मिला है या फिर नहीं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, हमारी विशेष कवरेज लगातार जारी है, 7वें चरण के रन के जो वोटिंग हो रही है उस पर एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। देखिए कितना अच्छा, करीब 10 बूथ बनाए गए हैं सर, मतदान कर लिया है तो क्या मुद्दे रहे इस बार मतदान करने का? ये कानून व्यवस्था और ये मतलब इनका काम अच्छा लगता है, राज्य सरकार और भारत सरकार का काम। मतदान कर दिया मैम? जी कर दिया। तो क्या रहा, क्या सोच के वोट किया? वोट सोच के ही दी कि आज के समय में योगी मोदी ऐसा ईमानदार और अच्छा काम करने वाला आगे कोई दिखाई नहीं दे रहा अगल बगल भी, और कम से कम मोदी 7 पुस्त के लिए जमा करके नहीं जाएंगे, जो जाएंगे जनता के लिए छोड़ के जाएंगे, जनता के लिए छोड़ के जाएंगे। तो इस तरीके के आप भी दादा मतदान कर दिए हैं, तो क्या रहा दिमाग में मतदान करते वक्त? विकास का मुद्दा, गरीबों की भलाई का, और यही सब मुद्दे हैं। विकास का मुद्दा रहा तो ये मतदाता हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन अगर हम प्रशासन की तैयारियों को दिखाएं एक बार, तो आप देखिए कि जो बूथ हैं धूप से बचाने के लिए यहाँ पूरा इंतजाम किया गया है, पानी की व्यवस्था है, साथ ही टेंट की व्यवस्था की गई है। इवन जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आने के लिए 4-व्हीलर की भी सुविधा दी गई है कि अगर वो अपने गाड़ियों से आ रहे हैं तो वो सीधे बूथ के जहाँ पे वोटिंग की प्रक्रिया वोटिंग शुरू होगी वहाँ तक वो सीधे जा सकते हैं, इसका भी इंतजाम यहाँ पे किया गया है। यानी कि वोटिंग प्रतिशत
प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन द्वारा जो भी तैयारियां की जा सकती थी, जितने भी इंतजाम किए जा सकते थे वो किए हैं। तो गोरखपुर से राम गोपाल हमारे साथ में है, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी है और गाजीपुर से मनीष मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, गाजीपुर में तस्वीरें आप दिखाइए, लोगों में कितना उत्साह है, क्या लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंच रहे हैं? हाँ, देखिए आपको बता दें कि गाजीपुर में सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है और गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के 2038 पोलिंग बूथों पर लोग सुबह 7 बजे से मतदान कर रहे हैं। इस समय हम नवापुरा प्राथमिक विद्यालय के पोलिंग सेंटर पर खड़े हैं, जहां पर लोग आ रहे हैं। आपको दिखा सकते हैं कि कुछ लोगों की वो लाइनें लगी हुई हैं जो वोट डालने के लिए खड़े हैं। साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं कि लोग वोट डालने के बाद सेल्फी पॉइंट पर अपनी अपनी तस्वीरें भी ले रहे हैं। मतलब वोट डालने के बाद लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग वोट डालने के लिए इंतजार में लगे हैं और कुछ लोग अंदर जा रहे हैं। अब चलिए वाराणसी आपको लेकर चलते हैं। वाराणसी वीवीआईपी सीट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनावी मैदान में है। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। उपेंद्र, तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि बनारस की एक एक तस्वीर अपने आप में बेहद खास होती है। कितना उत्साह है लोगों में? देखिए, उत्साह की बात करें तो सुबह 7 बजे से ही कतारबद्ध लोग पहुंचे हैं और आप ये देखिए हर उम्र के लोग पहुंच रहे हैं। और कुछ ऐसी ये तस्वीरें हैं, जैसे चाची हैं, इनकी तस्वीर है जो प्रेरित करती है उन लोगों को जो अब तक मतदान के लिए निकली। चाची, वोट डालन आल हुआ? डाल देली वोट? हाँ, डाल देली। डाल देली, दिखावा जरा, उंगली दिखा दा। देखिए व्हील चेयर पे पहुंची है चाची। क्या उम्र होगी इनकी? क्या उम्र है आपकी? 85 है और ये वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। देखिए तमाम सारे लोग, आप लोगों ने वोट कास्ट कर दिया? हाँ। और यहाँ पर खुद ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आप तक तो पहुंचा देते हैं। मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि काजल निषाद के रोने का गोरखपुर की जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुनिए, आपके पुत्र भी चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रतिष्ठा गोरखपुर सीट पे फंसी हुई है। यहाँ जो सपा के प्रत्याशी हैं वो रो के निषादों से वोट मांग रहे हैं। एक बार और रोई थी और अपना षड्यंत्रकारी रवैया अपनाया था जब राम भोपाल जी यहाँ लड़ रहे थे, तो रोने गाने से जनता नहीं कुछ देती थी। देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है, विकास का चुनाव है, तो जो ये है, ये तो है एक आने वाले बच्चों के भविष्य का चुनाव है, किसी एक व्यक्ति का चुनाव है, नहीं है कि व्यक्ति का चेहरा दे के वोट दे दे। और जनता जनार्दन, जनता जज होती, जनता फैसला लेती है। और जनता फैसला कैसे लेती है? सूचनाओं के आधार पर लेती है। आप ही लोग टीवी चैनल, अखबार है, सोशल मीडिया है, और वो हमेशा कौन क्या किया है, सपा ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, सब कलेक्ट हो गया। और मोदी ने क्या किया तो पता चला मोदी जी भारी हो जाते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। यानी कि रोने कोई असर ना है? कोई असर नहीं है। और सारे जनता जो मछुआ समुदाय है वह गोरखपुर की जड़ है निषाद पार्टी की। और निषाद पार्टी जब खड़ी बड़ी हो रही थी तो समाजवादी पार्टी ने बहुत दर्द दिया था। वोट डालने आए हैं तो वोट जी डाले हैं और उसी को डाले हैं जिसको डालना चाहिए, समझ रहे हैं? इनका पहचान क्या है? नहीं, इंटरव्यू बात नहीं, पर्ची होगी अंदर। कौन से मोदी जी का पहचान क्या है? कमल का फूल। और कमल का फूल जो है वो सबसे बड़ा है और सबसे कोमल है। अब सारी ही सीटें बेहद महत्वपूर्ण है जिन पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 13 सीटें हैं जिसमें गोरखपुर की भी सीट है, मिर्ज़ापुर भी सीट है, वाराणसी भी सीट है। ये सभी सीटें एक तरफ नेहा यादव जी, लेकिन वाराणसी की सीट जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में है, यहां आपको क्या लग रहा है कितनी टक्कर देने वाले हैं आपके गठबंधन के कैंडिडेट अजय राय? नेहा जी, आपका माइक म्यूट है, प्लीज इसको अनम्यूट करिए। अभी आ रही है मेरी आवाज? जी जी बोले। देखिए, प्रधानमंत्री जी अपनी संसदीय सीट भी हारने जा रहे हैं। अच्छा। इस हार के डर से, हताशा और निराशा से जाकर के कन्याकुमारी साधना कर रहे हैं कि कैसे भी उनकी अपनी सीट बच जाए।
ये प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं कर रहे मोदी जी, अपनी संसदीय सीट बचाने के लिए साधना करने पहुंचे हैं, वो भी पूरा कैमरा, फैशन डिजाइनर, हेयर स्टाइलिस्ट सबको लेकर पहुंचे हैं, तरह तरह से वीडियो बनवा रहे हैं। ये अजीब तरह की एक ड्रामा और जो नौटंकी का कल्चर प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, जनता इस पे जवाब दे रही है उनको। आपकी बात पर रिएक्शन फटाफट से शरद त्रिवेदी जी, आपका रिएक्शन। नेहा जी कह रही है कि प्रधानमंत्री अपनी सीट हारने वाले हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी जिसके साथ खड़ी होती है उसका सुपड़ा साफ हो जाता है। जैसे पानीपत का युद्ध का मैदान था, जो उसमें हारता था वो उत्तर पूरे भारत से के इतिहास में चला जाता था, वही इनका हाल है। पहले इनके साथ बसपा लड़ी तो बसपा का सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस लड़ी तो कांग्रेस साफ हो गई। इनको जो कुरैशी साहब की का शेर है कि साहब हमको अपनी खबर नहीं यार, हो तुम जमाने की बात करते हो, इनका तो खुद का ही नहीं पता है। जिनके नेता ने कहूंगी कि इनको पता ही नहीं है कि समाजवादी पार्टी के साथ बसपा लड़ी उसको 10 सीट चाहिए, समाजवादी पार्टी के साथ जो भी है वो कुछ ना कुछ लेगा, और इन्होंने लालच में दोनों बोलेंगे कुछ समझ नहीं आएगा। नेहा जी सुन लीजिए शरद जी को, आप बोलती जाएंगी तो उनकी बात समझ में नहीं आएगी। हमारी पार्टी ने कई दलों को पहचान दी, आज कई लोग हमारी पार्टी को छोड़ के जो भाजपा में गए हैं उनकी सीटें समाजवादी पार्टी की वजह से बढ़ी। शायद भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को पता नहीं है या अनुभव की कमी है, ये पहले रिकॉर्ड पढ़ के आए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि समाजवादी पार्टी के साथ। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार सुन लेते हैं नेहा जी, शरद जी को सुन लेते हैं, फिर मेरे को एक रिएक्शन ज्ञानेश जी से भी लेना है। लेकिन नेहा जी सुन लेते हैं ना, नेहा जी का ऑडियो प्लीज डाउन कर दीजिए, समय कम है और मुझे दोनों का रिएक्शन लेना है। शरद जी बोलिए प्लीज। देखिए, समाजवादी पार्टी पिछले 12 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर है और 35 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश से बाहर है, तो इनको एक जो वकालत में कहते हैं पेशबंदी की, केस क्या है वो अलग कहानी है, लेकिन पेश क्या जज साहब के सामने करना वो अलग कहानी। तो इन्होंने अभी से ही तय कर लिया है, पिछले 3 महीने से कह रहे ईवीएम मशीन खराब हो जाएगी, संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। लोकतंत्र पूरी तरह उत्तर प्रदेश में सुरक्षित था जब नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन को उनके घुस के इनके नौनिहाल अतीक अहमद ने पीटा था, अब सब वो खराब हो गया। ओके सर, ज्ञानेश जी एक जल्दी से आपका रिएक्शन देखिए। जानकार कहते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी को कोई कैंडिडेट नहीं मिलता तो बलि का बकरा बनाया जाता है अजय राय को। अब यहाँ आप देख रहे हैं नेहा जी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री ये सीट हारने वाले हैं, आपका रिएक्शन? नहीं, प्रधानमंत्री हारने वाले ये कहना थोड़ा सा ज्यादा होगा। प्रधानमंत्री 10 साल का सिटिंग MP और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जल्दी चुनाव हार जाए ये मुश्किल है, लेकिन हाँ चुनौती मिली होगी, मिल रही होगी ये कह सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी है सबसे लोकप्रिय नेता है, तो आप खारिज नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये अतिशयोक्ति होगा कहना कि प्रधानमंत्री चुनाव हार जाएंगे, प्रधानमंत्री को टक्कर दे सकते हैं ये कह सकते हैं। बिल्कुल, तो टक्कर कितनी कड़ी मिलने वाली है ये तो 4 जून को नतीजे बताएंगे। उससे पहले आज न्यूज 18 का ये मेगा एग्जिट पोल भी आपने देख लिया है, जो कि ना सिर्फ एग्जिट पोल है बल्कि एग्जैक्ट पोल साबित होने वाला है।